हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखिए आज आपसे हम बात करने वाले हैं जेडीयू की, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू की बात इसलिए कि जेडीयू ने हाल ही में अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें से मणिपुर में जो है कि विधानसभा की 6 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। जी हाँ, और जेडीयू अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। आप जानते हैं जेडीयू के जो प्रमुख चेहरा हैं वो नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसमें समता पार्टी, लोक शक्ति और जनता दल शरद यादव का गुट, इन तीनों गुटों को मिला करके, मर्जर करके जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ था। फाउंडर मेंबर की अगर हम बात करें तो जेडीयू के फाउंडर मेंबर जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव थे। जेडीयू का मूल रूप से जनाधार बिहार में है और वर्तमान में जेडीयू बिहार में सत्ता में भी है। जेडीयू के प्रमुख नेता और प्रमुख चेहरा वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। जेडीयू की आइडियोलॉजी की बात करें, इसकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो जेडीयू की आइडियोलॉजी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर आधारित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेटस की अब हम बात कर लेते हैं कि जेडीयू को स्टेटस क्या मिला हुआ है। तो जनता दल यूनाइटेड को बिहार में स्टेट पार्टी का यहाँ पे स्टेटस हासिल है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी जनता दल यूनाइटेड को स्टेट पार्टी का स्टेटस हासिल है, और हाल ही में मणिपुर में 6 सीट जीतने के बाद जेडीयू को वहाँ पर मणिपुर में भी स्टेट पार्टी का जो है कि दर्जा हासिल हो गया। और मैं आपको बता दूँ कि मणिपुर में कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जो है कि जेडीयू ने जीती, और एक राज्य में यदि और जेडीयू सफल हो गई सीटें जीतने में तो जनता दल यूनाइटेड को जो है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाएगा। चलिए अब वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में क्या स्थिति है जेडीयू की लोकसभा में, राज्यसभा में और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में। तो सबसे पहले हम अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जेडीयू के पास अभी 16 सांसद हैं, यानी 16 सीटें जो है कि जेडीयू के पास है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी जेडीयू के पास 4 सांसद हैं, यानी 4 सीटें जेडीयू के पास राज्यसभा में भी हैं। चलिए अब हम विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे जो मूल आधार वाला राज्य है जेडीयू का वो बिहार है, जहां बिहार में सत्ता में भी है जेडीयू। तो बिहार में इसके पास अभी विधानसभा में कुल 45 सीटें, यानी 45 विधायक जेडीयू के हैं। और बिहार विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में 23 सीटें हैं जेडीयू के पास। वहीं अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के पास 1 विधायक मौजूदा दौर में है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में वर्तमान में जेडीयू के पास 6 विधायक हैं। तो इस तरीके से जेडीयू ने अभी 3 राज्यों में अपनी स्थिति जो है कि मजबूत की है, और इसी और आगे एक राज्य में और जेडीयू सफल होती है, अच्छी स्थिति में सीटें लाती है, वोट परसेंटेज लाती है, तो राष्ट्रीय पार्टी जो है कि बन सकती है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है।